अमेरिका क्यूबा के साथ संबंध खोल रहा है और यह एक बड़ी बात है। कई दशकों से चली आ रही दुश्मनी को खत्म करते हुए और मेजबान देशों के बीच एक नए युग की शुरुआत करते हुए, लेकिन ये समझने के लिए कि ये कितना बड़ा सौदा है, ये शत्रुता वास्तव में कहाँ से आई और इसे ख़त्म होने में इतना समय क्यों लगा, आपको 1850 के दशक में वापस जाना होगा। कहानी अमेरिका से शुरू होती है जो गुलामी और गुलामी के विरोध करने वाले लोगों की राजनीति के बीच बटी हुई थी और उनके कई झगड़ों में से एक स्पेनिश कॉलोनी की क्यूबा के साथ है। गुलामी की राजनीति करने वाले लोग क्यूबा को स्पेन से खरीदना चाहते थे या इसे बलपूर्वक लेना चाहते थे ताकि एक नए गुलाम राज्य में बदल सकें। गुलामी की विरोध करने वाले लोग इसे समाजवाद कहते हुए इसका विरोध किया। 1898 में गुलामी की समाप्ति के बाद अमेरिका ने फिर से एक नया बहस शुरू किया जब क्यूबा स्पेन के खिलाफ विरोध करने लगा। अमेरिका ने उनका साथ दिया और फिर स्पेनिश अमेरिकी युद्ध शुरू हुई। लेकिन अमेरिका सोच में था कि क्या अमेरिका को क्यूबा को खुद के लिए स्पेन से जब्त करना चाहिए या इसे स्पेन से मुक्त करना चाहिए। यह उस समय की बहुत बड़ी बहस का हिस्सा है कि क्या अमेरिका को स्पष्ट रूप से यूरोपीय शक्ति की तरह बनना चाहिए। तो यह क्यूबा के बारे में बहस है, लेकिन यह अमेरिका के बारे में भी एक बहस है कि यह किस तरह का देश बनना चाहता है। क्या अमेरिका को क्यूबा को नियंत्रित करने वाला देश बनना चाहिए या वह इसे एक सप्रभु राष्ट्र के रूप में सम्मान देना चाहिए। यह बहस विभिन्न रूपों में जारी रही तब से। फिर 1998 में कांग्रेस में यह होता है कि प्रत्येक पक्ष कानून को अपने तरीके से लागू करने की कोशिश करता है। यह समाप्त होता है एक अजीब विभाजन नीति के साथ जिससे क्यूबा को स्वतंत्रता मिलती है लेकिन अर्थशाही शासन के तहत। इसके बाद अमेरिका ग्वांतानामो बे पर अधिकार जमा लेता है और खुद को क्यूबा की विदेश नीति और मामलों में हस्तक्षेप करने का अधिकार दे देता है। फिर 1906 और 1917 में क्यूबा में अगला अमेरिकी हस्तक्षेप आता है। हर बार अमेरिकी सेना कुछ वर्षों के लिए राजनीति संकटों को हल करने के लिए पदभार संभाल लेती है, लेकिन इसका मतलब आमतौर पर कुछ हितों की रक्षा करना है, जैसे चीनी के आयात का। आज जब लोग यूएस और क्यूबा के बारे में सोचते हैं तो वे इस शीत युद्ध के बारे में सोचते हैं, लेकिन क्यूबाई लोग अक्सर इस राजनीति के बारे में सोचते हैं। वह युग 1933 में क्यूबा की सरकार के खिलाफ विद्रोह के साथ तकनीकी रूप से समाप्त हो गया। अमेरिका कानून के तहत अमेरिका हस्तक्षेप कर सकता है जब भी वह चाहे, लेकिन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट अमेरिका की इस राजनीति को समाप्त करना चाहते थे, इसलिए वह तटस्थता की घोषणा करते हैं। अगले 20 वर्षों में क्यूबा एक लोकतंत्र बनता है और एक जो यूएस के साथ मित्रता के साथ रहने लगता है। यह 1952 में बदल जाता है जब फुलगेंसियो बतिस्ता नाम के एक पूर्व राष्ट्रपति और सैन्य नेता ने तख्तापलट में सत्ता हासिल कर ली, संविधान को निलंबित कर दिया और तेजी से दमनकारी शासन लागू किया। क्यूबा का कम्युनिस्ट विद्रोह अगले साल शुरू हो गया जिसका नेतृत्व युवा फिदेल कास्त्रो कर रहे थे। इस समय अमेरिकी राजनीति कम्युनिज्म की आशंकाओं से ग्रस्त थी, इसलिए अमेरिका युद्ध में बतिस्ता का समर्थन करती है, चाहे वह कितना भी क्रूर क्यों ना हो। अमेरिका के लिए यह कम्युनिज्म के खिलाफ संघर्ष में एक मोर्चे की तरह था, लेकिन क्यूबाई लोगों को ऐसा लगता है कि बतिस्ता अमेरिकी साम्राज्यवाद और गोरिल्ला युद्ध का विस्तार है, उनके स्वतंत्रता के लिए एक लंबी लंबी लड़ाई का सिलसिला। 1959 में कम्युनिस्ट जीत गए और कास्त्रो ने सत्ता संभाल ली। यूएस कम्युनिज्म फैलने से डरता है। क्यूबा की अर्थव्यवस्था का गला घोटने के लिए CIA प्रशिक्षित क्यूबन भेजता है कास्त्रो की हत्या करने के लिए, यहाँ तक कि इसे बे ऑफ पिक्स के रूप में जाना जाता है। कास्त्रो मदद के लिए सोवियत संघ का रुख करते हैं और 1962 में तीसरे विश्व युद्ध शुरू करने के कगार पर होते हैं जब अमेरिका ने रूस के क्यूबा में परमाणु मिसाइलों को लगाने के प्रयासों को अवरोध किया। घटना सभी को काफ़ी डराती है, लेकिन आखिर में चीज़ें शांतिपूर्ण स्थिति में बच जाती हैं। समय के साथ क्यूबा के सामान्य लोग अमेरिकी राजनीति और कास्त्रो की तानाशाही के बीच फंस जाते हैं। 1980 में कास्त्रो ने क्यूबन्स को द्वीप छोड़ने की अनुमति देकर कुछ राजनीतिक असंतोष को दूर करने की कोशिश की और फिर 125,000 क्यूबन्स फ्लोरिडा पहुंचते हैं। समय पर किसी को इसका एहसास नहीं होता है, लेकिन यह संघर्ष में एक नया मोड़ जोड़ देता है। अब ये कास्त्रो और क्यूबा के असंतुष्टों के बीच आंतरिक क्यूबा की लड़ाई के बारे में भी हो जाता है,
जो अमेरिकी राजनीति के माध्यम से सबके सामने आता है। यह विषय 1980 के दशक में महत्वपूर्ण हो जाता है। सोवियत संघ के गिरने के बाद राष्ट्रपति क्लिंटन क्यूबा को कोई खतरा नहीं देखते हुए संघर्ष को समाप्त करना चाहते थे। इसलिए कास्त्रो भी, जो अब सोवियत संघ की सहायता पर भरोसा नहीं कर सकते थे, लेकिन अमेरिका में रहने वाले क्यूबंस जो कास्त्रो के हाथों से बुरी तरह से पीड़ित थे, उसे गिरते हुए देखना चाहते थे। 1996 में क्यूबा ने दो निजी विमानों को मार गिराया जिसमें क्यूबा कार्यकर्ता थे। इस वजह से अमेरिका में बड़ा उलटफेर होता है और क्लिंटन पीछे हट जाते हैं। 20 साल बाद राष्ट्रपति ओबामा ने फिर से संघर्ष को समाप्त करने की कोशिश की और अब अमेरिकी क्यूबा पर लगे प्रतिबंधों का समर्थन नहीं करते हैं। क्यूबा के बहुत से अमेरिकी अब राजनीतिक निर्वासन के बजाय आर्थिक प्रवासी हैं, इसलिए वे खुलापन चाहते थे। फिडेल बूढ़ा हो रहे हैं और 2008 में अपने भाई को सत्ता दे देते हैं, जो जानते हैं कि देश को बदलने की जरूरत है। अमेरिका और क्यूबा 2013 में गुप्त तरीके से बात करना शुरू करते हैं। नए पोप फ्रांसिस बातचीत करने में मदद करते हैं। 2014 में ओबामा ने संघर्ष को समाप्त करने के लिए अपने समझौते को घोषित किया और अगले वर्ष क्यूबा जाने वाले पहले राष्ट्रपति बने 1928 में क्लेविन कुलिज के बाद। अमेरिका और क्यूबा के संबंध अब जाके अच्छे हुए और यह समझने के लिए महत्वपूर्ण है कि ऐसा होने में इतना समय क्यों लगा। पिछली सदी में दोनों देशों के बीच बहुत कुछ हुआ है और अमेरिका ने कई बार क्यूबा के साथ एक वास्तविक देश की तुलना में अधिक उपनिवेश किया है। अब बहुत कुछ से उभरना है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वे दोनों आखिरकार तैयार हो गए हैं।